नमस्कार, NN24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। पीएम नरेंद्र मोदी की किसानों की आय 2022 तक दोगुनी किए जाने के उद्देश्य में किसान व बागवानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई नई डिवाइस वरदान साबित हो रही है। कृत्रिम बॉक्स में फेरोमैन ट्रैप कार्ड, लाइट ट्रैप कार्ड में मादा कीड़ों की लिक्विड लगी होती है जिसमें नर कीड़े आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण अब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बंद हो गया है। कृत्रिम डिवाइस के प्रयोग से पोषक तत्वों को सुरक्षित रखते हुए अनाज, फल और सब्जियों की गुणवत्ता व उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। कृषि विभाग की इस पहल की दुबेपुर ब्लॉक से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक व जिला कृषि अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने अपनी डिवाइस को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी भेजा है। जिला कृषि अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने बताया कि फेरोमैन ट्रैप कार्ड के प्रयोग से जिले के किसान को महंगी जहरीली दवाओं के छिड़काव से छुटकारा मिल गया है। उन्होंने बताया कि यही नहीं, अब किसानों के सब्जी व फल के उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके पूर्व जहरीली दवाओं के छिड़काव से लोगों में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां होने का भय रहता है। कृषि अधिकारियों ने बताया कि अपनी फसल तैयार करने में अब किसानों की लागत में भी कमी आई है। लागत कम होने से किसानों की आय बढ़ गई है, जिससे किसानों को प्रधानमंत्री का सपना साकार होने में मदद मिल रही है। किसान अशोक वर्मा ने कहा कि कृषि अधिकारी की नई तकनीक से किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब किसान स्वास्थ्य वर्धक सब्जी व फल का उत्पाद कर रहे हैं। किसान रामकल्प पाल किसानों को नई तकनीक देने के लिए कृषि विभाग को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वहीं किसान राहुल वर्मा ने बताया कि कीटनाशक से मुक्त उत्पाद सब्जी की मांग मंडी में बढ़ गई है, जिसके साथ इस क्षेत्र को भी पहचान बढ़ती जा रही है। महिला किसान कांति ने बताया कि पहले बैगन, तुरई, करेले में लगे कीड़ों से उत्पादकता घट जाती थी, लेकिन जब से वहाँ इस कृत्य विधि का उपयोग कर रही हैं, तब से उनकी सब्जियाँ पूरी तरह से सुरक्षित व कीड़ों से रहित हैं। से फेरोमैन ट्रैप, लाइट ट्रैप और ये सब लगा रहे हैं। डीओ साहब के देखरेख में उन्होंने लगवाया, इससे कीड़ा जो है वो बैगन, भिंडी या सब उसमें फसलों में जिसमें कीड़े लगते थे वो बहुत नॉमिनल हो गए, कम हो गए हैं। और दवा की बहुत बचत हो रही है और पैसे की भी किसानों को बचत हो रही है। और सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य दवा वाली जहरीली दवाइयों से लोग सब्जियां खाते थे तो इससे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता था। अगर ये सब पूरे देश में इसी तरह किसान इसको करने लगेंगे तो जहरीली दवाइयां जो हैं वो कम हो जाएंगी और शरीर जो नुकसान पहुंचता था इन जहरीली दवाइयों से पड़े सब्जियों के खाने से उसका बहुत आदमी को बहुत फायदा होगा। और यही दवाइयां जो घास वगैरह में पड़ती थी जानवर भी खाते थे उनसे भी उनको भी नुकसान होता था, उसको खाने के बाद दूध में वो दवाइयां का असर चला जाता था और सब जगह उसका नुकसान होता था। अब इसके लगाने से बहुत फायदा, अभी तक किसान इसको समझ नहीं रहे थे, अब किसान पूरी तरह इसको समझ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अब सब लोग लगवा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और भविष्य में भी इसका इसी तरह अगर लोग इसको अपनाए ये विधि अपनाए तो बहुत ही पैसे की बचत होगी और शरीर के लिए भी लोगों का बहुत फायदा होगा जो जहरीली दवाओं खाने से नुकसान हो रहा था। जैसे सर अब में बहुत अंतर है, पहले हम तमाम प्रकार की कीटनाशक डालते थे, अब इस साहब ने एक हमारे कृषि रक्षा अधिकारी साहब हैं, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ, इन्हें हमारे यहाँ आए और हमको इस जैविक खेती या कीट रहित रासायनिक दवाओं के बारे में बताया कि इनको न डालिए। तब से हम तमाम प्रकार जैसे नीम की खलियां हो गई या नीम आयल हो गया या हरी पीली प्लेट दे गए, वो भी कुछ फ्री में बांट दिए हैं, उनको हम अपने खेतों में लगाए हुए हैं, उसमें तमाम प्रकार के छोटे बड़े के कीट उसमें चिपक जाते हैं और अब हमारी फसल पहले से अच्छी उपज भी दे रही है। और इसको मंडी में हम जब ले जाते हैं, अभी अपने किसान भाइयों को बताते हैं या खरीदने वाले को बताते हैं तो हमें उससे 2-4 रुपये महंगी भी ले लेते हैं, तब से हमें फायदा भी काफी है। जो 10-10, 15-15 हजार की रासायनिक दवा हम साहब खेत में डाल देते रहे वही से बचती है तो काफी ज्यादा फायदा है हमें। हमारे बगल में सब्जी मंडी है, हम लोग सब्जी की बहुत अच्छी खेती करते हैं। पहले हम लोग बहुत दवा इस्तेमाल करते थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, लेकिन अब इस समय डीओ साहब के अंतर्गत हम लोग फेरोमैन ट्रैप, लाइट ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल करके कम से कम दवा इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी उपज ले रहे हैं, वो मंडी में इसका अच्छा रेट मिल रहा है। पहले क्या मिलता था? पहले इसका रेट ऐसा था सर, पहले दवा डालते थे
तो इसका रेट भी कम मिलता था, और इस समय बिना दवा की जैविक जैविक खेती जा रही, जैविक फसल जा रहा है। इसमें ज्यादा मतलब व्यापारी लोग को, इसमें जो शहर के अच्छे व्यापारी हैं, इसका अच्छा रेट हमें देते हैं, तो इसका वो भी अच्छा फायदा पाते हैं आगे चल के। कर्मचारियों के साथ मैं लगातार इनके संपर्क में हूँ, आज 15 दिन से लगभग हर दूसरे दिन मैं यहाँ आ रहा हूँ, अपने कर्मचारी भी आ रहे हैं, और इनको स्टिकी स्टिप फेरोमोन ट्रैप, नीम आयल, ट्राइकोकार्ड, ये ट्राइकोकार्ड है, इसके द्वारा अगर एक एकड़ में दो लगा दिए जाए, इसको काट के तीन पार्ट चार पार्ट में करके पत्ती के नीचे एक एकड़ में दो लगाए, तो इसमें ट्राइकोग्रामा होता है, ततैया होती है छोटी सी, वो निकलती है और जो फल छेदक उनके अंडों में अपने अंडे दे करके उनको समाप्त कर देती है। इसी तरीके से जो येलो स्टिकी स्ट्रिप है उस पर व्हाइट फ्लाई सब जा करके चिपक जाती है, जिनके लिए भारी मात्रा में दवाइयों का किसान प्रयोग कर रहे थे। अब किसानों द्वारा बताया गया है कि आज लगभग 15 दिन हो गया उनके द्वारा कोई दवा प्रयोग नहीं की गई, लगभग 3-4 स्प्रे उनके बच गए हैं, और इस तरीके से उनकी